उनके बस्तियों में कोई भी सुविधाएं नहीं होती थी जिस तरीके से आज आपके साथ हो रहा है। लेकिन उनका एक लीडर जिसका नाम काशीराम था, पंजाब की सरजमीन से निकला, जाटव समाज की बस्तियों में जाकर के उसने क्या कहा, ऐ जाटव समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत ना लूटी जाए, तुम्हें सरकारी नौकरियां मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा सीएम बने, तुम्हारा बेटा पीएम बने, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा एसपी बने, डीएम बने, डीआईजी बने, आईजी बने, कमिश्नर बने, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा एसडीएम बने, लेखपाल बने, कानून को बने, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया और कहा 11% जाटव समाज को लेकर के सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात ये काशीराम कर रहा, ये कौन शख्स है जो पंजाब की सरजमीन से आया है। लोगों ने मजाक उड़ाया, पुराना जाटव समाज कांग्रेसी का, उसने कहा ये काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। जिस तरीके से आज हम पर इल्जाम लगा रहे हैं लोग कि हम बीजेपी की भी टीम है, यही इल्जाम किसी जमाने में माननीय काशीराम पर उन्हीं के समाज के लोगों ने लगाया था कि काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा पाया है और कांग्रेस को हरा ले आया। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, कहा पिताजी तुम कांग्रेस की गुलामी करते रहे, हम कांग्रेस की गुलामी नहीं करेंगे, तुमने अपने सरों पर दूसरों के घरों की गंदगी को फेंका, तुमको लोगों के दरवाजों पर बैठने के लिए खाट नहीं और कुर्सी नहीं है, तुम जमीन पर बैठे रहे, तुम गुलाम बने रहे। लेकिन हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम भी सियासत में हिस्सा लेंगे और हम सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेकर के इंसाफ के दरवाजे, इंसाफ के दरवाजे को हम अपने लिए खुद खोलेंगे। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन दुनिया ने देखा 11% जाटव समाज मुत्तहिद हुआ और मुत्तहिद होकर के माननीय काशीराम को अपना नेता माना, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी माना, नीले परचम को अपना परचम बनाया। दुनिया ने देखा महज 9 सालों में अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। आज मेरी बहन एक वार्ड के लिए, अरे होना तो ये चाहिए था कि कहना चाहिए था नजमाबादी तुम घर में बैठो हम इलेक्शन लड़ेंगे, हर कोई नजमाबंद करके इलेक्शन लड़ेगा। मेरी बहन को आज दर दर लोगों के दरवाजों पर जाना पड़ता है कि मुझे वोट दे दो, उसके बाद भी कुछ समाजवादी और बीएसपी और कांग्रेस के चपरासी गुम करके विरोध कर रहे हैं मेरी बहन का। लेकिन फैसला आपको करना है, जब एक दलित की बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है तो मेरे कौम की बेटी क्या एक वार्ड की पार्षद नहीं बन सकती। और आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है कि आप अपने वोटों के जरिए से मुरादाबाद की नगर निगम में इस पहल को भेजने का काम कर सकते हैं। आपको किसी के वोटों के खैराज की जरूरत नहीं है, छोड़ दो और
पतंग को 4 तारीख को वोट दो। देंगे ना? बीजेपी आज पसमांदा मुसलमानों की बात करती है। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि आपके मेयर के कैंडिडेट कितने पसमांदा मुसलमान हैं? कितने मुसलमान को आपने टिकट दिया मेयर कैंडिडेट में? अमित शाह और बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और हमारे प्रदेश में एक मुसलमान मिनिस्टर रहने जा रहे, एक अदर जानते हैं ना आप लोग? दानिश आजाद अंसारी साहब, दानिश आजाद अंसारी साहब सुनिए, मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, हो सकता है उन तक मेरी बात जाए। आप पसमांदा मुसलमानों को खड़ा करने की बात कर रहे हैं ना, यही ख्वाब हमको किसी वक्त में समाजवादी ने भी दिखाया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बुनकरों को मुफ्त में बिजली देंगे जिस तरीके से हम किसानों को देते। पूर्ण बहुमत की सरकार आई, नहीं दिया, सपने दिखाए, ख्वाब दिखाए, मीठी मीठी बात किए। अब बीजेपी को हमारी याद आने लगी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हमारी याद आ रही है, हम इनको बड़े अच्छे लग रहे हैं, सब तो ठीक है। अवतार पार्टी भी कर दिया इन लोगों ने, टोपी भी लगा लिया, क्या हवा में बीजेपी वालों। और तुम्हारे अमित शाह जाकर के तेलंगाना में तकरीर करते हैं जहां पर पसमांदा मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि वहां नुमाइंदगी आपकी है, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की आवाज पर मिलता। तो अमित शाह ने क्या कहा तेलंगाना में जाते कि हमारी सरकार अगर पूर्ण बहुमत की तेलंगाना में बनेगी तो हम पसमांदा मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिलता है उस रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। दानिश आजाद अंसारी साहब, अब आप बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? क्या आप अमित शाह की बात को कंडम करेंगे? क्या आप कहेंगे कि बीजेपी मुसलमानों का वोट लेने के लिए झूठ बोल रही है? आपने धोखा दिया पहले भी और आज भी आप धोखा दे रहे हैं। हमें सबने धोखा दिया, सबने डिस्पोजल ग्लास की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन अब आपको इस्तेमाल होने की जरूरत नहीं है। आप डिस्पोजल ग्लास ना बने। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गो, मेरी सरदार माओ और बहनों, आने वाली 4 तारीख को पतंग चुनाव निशान के सामने वाला बटन आपको दबाना है। 2 ईवीएम आपके सामने, दोनों में पतंग दबाएंगे ना इंशाल्लाह। कोई चुनाव में सिंबल छोटा बड़ा नहीं, हमारा तो दोनों बड़ा है, ये नहीं कि ये बड़ा ये छोटा, नहीं। जहां पतंग दिखे धपाधप पतंग को मारेंगे, मारेंगे वो इंशाल्लाह। वादा कर रहे हैं आप? अब अगर कोई कुछ ला के देखा उसको पॉकेट में रखिए और जाकर के वोट किसको डालेंगे? पतंग को।